हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भूसी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जो मार्केट में आज 8 जुलाई को जो गिरावट आई है, जो इतनी तेजी से बजट के बाद जब मार्केट ओपन हुई तो एक जो गिरावट आई है वो गिरावट और कितनी नीचे जा सकती है और हमें किस तरीके से मार्केट में स्ट्रेटेजी में काम करना है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी की अगली वीडियो आ रही है, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ी देर में ही। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो मार्केट में गिरावट आई है उसमें हमने देखा कि जो रेशियो था गिरने का वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि अगर एक स्टॉक बढ़ रहा है तो उसके सामने 8 स्टॉक गिर रहे हैं। गाइस, ये जो रेशियो था बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस था और हम देख सकते थे कि मार्केट ने अपने जो, अगर हम मार्केट की छोड़ के अगर हम निफ्टी की खास बात बात करें तो निफ्टी ने अपने रेंज को तोड़ा है, अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ा, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले बहुत ऊपर जा चुका था। सो बैंक निफ्टी अभी भी एक स्टेबल है, मतलब वहाँ पर नीचे अभी भी उसके पास सपोर्ट है जो कि आसपास ही है उसके, जिस पे उसने क्लोजिंग दी है। पर गाइस, जो निफ्टी है हमें लगता है कि वो निफ्टी 11,400 तक जा सकता है। अब किस तरीके से जा सकता है हम चार्ट में अभी देखेंगे उसे भी। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले 5 स्टॉक्स की तरफ, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि मैं आपके लिए जो ट्रेड टॉक की सीरीज लेकर आया हूँ, ट्रेड टॉक की सीरीज पर मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि HDFC और रिलायंस के ऊपर है, जो भी मेरे व्यूअर्स ने सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे अपने स्टॉक लिख कर दिए थे, जिसमें भी सबसे ज़्यादा कमेंट पे लाइक थे, जिस भी स्टॉक पे सबसे ज़्यादा लाइक थे मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। सो गाइज, रिलायंस में सबसे ज़्यादा लाइक थे तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप आई पे भी देख सकते हैं, आई पे भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका, दोनों का। और गाइज, आपको इस वीडियो के एंड पे भी उन दोनों का डिस्क्रिप्ट लिंक मिल जाएगा, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लॉन्ग टर्म और अभी तक के बेनिफिट्स आप दोनों स्टॉक में से अच्छे से उठा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये दोनों स्टॉक आज भी बहुत नीचे गिरे हैं। सो अब आपको, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे आपको सपोर्ट लेवल पता चल जाएगा, और अब वहां से अगर बाय करेंगे तो आप रिटर्न अच्छा कमा सकते हैं उन दोनों स्टॉक में। सो हम बात करते हैं कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म दिखा सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मार्केट और गिर सकती है, अगर थोड़ी बहुत अपमूव मार्केट में मिलती भी है 11,600 11,630 तक। सो मैं आपको शॉर्ट की पोजिशन ही अब सलाह दूंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। स्टॉक जो हम बात करने वाले हैं वो है जिंदल स्टील, उज्जीवन, रिलायंस, पिडिलाइट, रेमेंट। जिंदल स्टील बाय करने की ही सलाह दी जाएगी अभी तो फिलहाल आपको, 141 तक के जो मुझे लग रहा है कि जिस रेंज में ये काम कर रहा है तो उसका 141 हायर लेवल है और 132 इसका लोअर है। सो गाइस, हमने देखा कि 132 से इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद देखा हमने एक अप मूव देखी। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर 132 पे ये सपोर्ट ले सकता है इंट्राडे सेशन के अंदर, और मुझे लगता है 138-141 तक ये जा सकता है कल या परसों परसों तक। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी मैं आपको बाय ही की सलाह दूंगा। हमने देखा था कि इसका जो लो था वो था 1243 के आसपास, और जो मैंने आपको बताया था कि 1235 के आसपास अगर आप रिलायंस को बाय करेंगे तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सो हमने देखा है 1243 से क्लोजिंग इसने 1252 के आसपास दिया है। सो अभी भी हमारे लिए एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है रिलायंस। 1240 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलिए, 1261, 1269 तक के भी टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायंस के अंदर। उज्जीवन, इस जीवन पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, अपने चैनल का ब्रेकडाउन दे चुका है, और हमने देखा, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो इन द सेंस पास्ट में मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैनल का, उज्जीवन का ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन आ चुका है, और वहाँ से वो बहुत नीचे आ गया था। वो बहुत नीचे आने के बाद जो इसने कंसोलिडेट करना शुरू करा था उस लेवल से, उस कंसोलिडेशन पे भी उसने एक चैनल फॉर्म करा और उस चैनल का भी उसने ब्रेकडाउन दे दिया आज के ट्रेडिंग सेशन पे। तो गाइस, ये मेरी तरफ से एक उज्जीवन फिर से शॉर्ट की सलाह रहेगी। 274 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, 278-279 तक का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 271-267। पिडिलाइट बाय करने की सलाह दी जाएगी जब तक ये 1205 या 1207, 1207 या 1205 के ऊपर रह के सस्टेन नहीं करता तब तक आपको इसमें बाय करने की ज़रूरत नहीं है इंट्राडे के अंदर। 1211, 1219 तक की जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है, तो मुझे लगता है फर्स्ट टारगेट 1219 तक ये जा सकता है 1220 तक। 1994 का आपको इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगर ये 1200 के नीचे जाता है, 1200 के नीचे घंटा ट्रेड करता है, और अगर शायद 1200 के नीचे कभी भी ये क्लोजिंग दे देता है, हम समझ रहे हैं 1295 या जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया उसके आसपास जाके क्लोजिंग देता है या उसके नीचे क्लोजिंग देता है, सो ये एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि उस लेवल से इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा और वहाँ से ये 1130 तक के लेवल तक भी जा सकता है। सो गाइस, इस पर्टिकुलर स्टॉक को केयरफुली ट्रेड करिएगा। अब दोनों तरीके से मैंने आपको अपॉर्चुनिटी इस पर एक्सप्लेन कर दी है।
रेमंड की बात करें तो रेमंड पे भी एक हमने ब्रेकडाउन देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सेल करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको 707 701 तक के भी टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 720 का मेंटेन करना होगा गाइस। करंट लेवल अभी जिसका चल रहा है वो 712 चल रहा है। सो ये पांच स्टॉक्स थे जो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको परफॉर्म दिखा सकते हैं। कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं कि कल शायद मार्केट थोड़ा मूव दिखाने की कोशिश करे, पर एंड में मुझे लगता है कि मार्केट 11,450 या 11,470 तक, कल नहीं तो परसों, या परसों नहीं तो तरसों, 3 दिन तक ये उस लेवल को छू जाएगी। और क्यों छूएगी उसका रीज़न आपको चार्ट में पता चल जाएगा जब मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाऊंगा। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, आपसे मिलता हूँ कल थोड़ी देर में अगली वीडियो के साथ जिसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझाई जाएगी।